हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकी खुशी। तो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर डिटेल में। आप देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स है क्या, कोऑपरेटिव बैंक्स वो कैसे करता है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं। एंड फ्रेंड, ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, ये आपको एग्जाम्स के लिए हेल्प कर सकता है। तो फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कोऑपरेटिव बैंक। तो फ्रेंड, अगर आप इसके नेम पे फोकस करोगे, इस बैंक के नेम पे फोकस करोगे, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। लाइक इस बैंक का नेम क्या है, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मीन्स क्या हुआ, कॉपरेशन, एक दूसरों की सहायता से। इसको हम लोग सहकारी बैंक भी बोलते हैं। तो ऐसा बैंक जो एक दूसरों की सहायता के लिए बना हो, सहायता से बना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। तो फ्रेंड, ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम इसका सिंपल टर्म में मीनिंग देख लेते हैं। तो फिर इन सिंपल टर्म आप क्या बोल सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल एंटिटीज है विच बिलोंग्स टू इट मेंबर, उसके मेंबर्स के लिए बिलोंग्स करती है। एंड यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोल सकते हो, या फिर याद रखने वाली चीज क्या है, यहाँ पे जो इस बैंक के जो मेंबर्स होते हैं, वो सेम टाइम पे क्या होते हैं, ओनर भी होते हैं उस बैंक के, एंड कस्टमर भी होते हैं उस बैंक के। तो इसको हम लोग क्या, यही क्या है, हमारा कोऑपरेटिव बैंक है। देन ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, वो कब क्रिएट होता है और कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, इन सिंपल टर्म, कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑफ्टन क्रिएटेड बाय पर्सन बिलोंग्स टू द सेम लोकल, जो सेम लोकैलिटी से बिलोंग करता है उसके लिए, और एल्स आप क्या बोल सकते हैं, प्रोफेशनल कम्युनिटी, उनका जो प्रोफेशनल, उनका प्रोफेशनल कम्युनिटी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, सेम प्रोफेशन से वो लोग होंगे, और शेयरिंग अ कॉमन इंटरेस्ट, उनका जो मेन इंटरेस्ट है, उनका जो मेन मोटिव है, वो भी क्या होगा, कॉमन होगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इसका मीनिंग क्लियर है। अब हम देखते हैं कि ये कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर कब हुआ था, जो कि आपके एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में। ये कब रजिस्टर हुआ था, 1912 में, एंड किसके अंडर था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर था। एंड यहाँ पे देखिए और क्या है, गवर्न बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा था, 1949। एंड बैंकिंग लॉज क्या था, बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। बट आई होप आपको यहाँ पे बेसिक क्लियर है। एंड मैं यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगी, जो कोऑपरेटिव जो बैंक है वो क्या करता है, कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसको, एग्रीकल्चरिस्ट को, जो पर्सन एग्रीकल्चर करना चाहता है, रूरल इंडस्ट्रीज को एंड ट्रेड को भी, या फिर ऐसी इंडस्ट्री जो अर्बन एरिया में भी है उनको भी क्या करता है, वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है। बट एक क्या होता है, एक लिमिटेड एक्सटेंड होता है, कितना उसको हेल्प करना है, कितना वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, उसका एक क्या होता है, सर्टेन लिमिट होता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, हेल्प करता है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक का बेसिक चीजें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, टू प्रोवाइड रूरल फाइनेंसिंग एज वेल एज अ माइक्रो फाइनेंस। कोऑपरेटिव बैंक क्या कर रहा है, रूरल फाइनेंस एंड माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। देन टू एंड द मोनोपोली ऑफ मनी लेंडर्स एंड मिडलमैन। कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया है, मोनोपोली जो मनी लेंडर्स एंड मिडलमैन का था उसको टोटली हटा ही दिया है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, अगर आपको किसी से पहले लोन लेना होता था, तो अगर लोन देने वाला एक ही पर्सन है और आप एक ही पर्सन के थ्रू में जा रहे हो और कोई पर्सन आपको लोन देगा ही नहीं, इट मीन्स ये चीज तो क्लियर है, आपके पास रिसोर्सेस एक ही है जो आपको देने वाला है लोन। तो अगर लोन देने वाला एक ही पर्सन, इट मीन्स वहाँ पे क्या है, उसका मोनोपोली है, वो जितना चाहे आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा और आप उससे लोन लोगे, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक ने क्या किया, वो मोनोपोली को टोटली हटा दिया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है और क्या करता है, क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, एग्रीकल्चरिस्ट एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या करता है, क्रेडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और उसका जो रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ही लो होता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है किसको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, और हाउसिंग फाइनेंस असिस्टेंट, या फिर उसके लिए आपको कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी क्या करता है, वहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए क्या है, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज टू इट मेंबर्स, उसके मेंबर्स को बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, टू प्रमोट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। तो यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक है, इसका मेन फोकस क्या है कि वो रूरल एरिया का क्या करना है, उसको टोटली ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। तो फ्रेंड, आई होप आपको यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर है। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फीचर क्या है, वन मैन एंड वन वोट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जो कोऑपरेटिव बैंक है उसका जो काम करने का उसका मेन प्रिंसिपल क्या है, तो उसका जो मेन प्रिंसिपल यही है कि कोऑपरेशन के थ्रू, सेल्फ हेल्प के थ्रू एंड म्यूचुअल हेल्प के थ्रू लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो भी उसके ऑल मेंबर्स हैं, सबको इक्वली का वोटिंग राइट्स हैं, और इन सिंपल टर्म आप क्या बोल सकते हो कि जो इनका जो कॉर्पोरेशन का वर्ड है, इट मीन्स सब लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, कहीं पे कुछ डिफिकल्टीज है तो एक साथ बैठ के उसको सॉल्व भी करते हैं। सो इसलिए क्या होता है, ये क्या है, वन मैन वन वोट है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोऑपरेटिव बैंक का मेन एम कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो क्या करता है आप ज्यादा से ज्यादा अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है लोगों को। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग क्या बोलते हैं, आरबीआई पार्शियल कंट्रोल। यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, जो कोऑपरेटिव बैंक है ना वो क्या है, फर्स्ट बैंक विच आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर है। इवन आप क्या बोल सकते हो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ पार्शियल कंट्रोल ओवर द कोऑपरेटिव बैंक। और क्यों है, बिकॉज द बोरोइंग जब वो बोरो करता है विच द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जो भी बोरिंग होता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, यूजुअली वो किसके थ्रू दिया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। इवन आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आरबीआई क्या करता है, कैपिटल भी प्रोवाइड करता है किसको, कोऑपरेटिव बैंक को। इसलिए क्या है, आरबीआई पार्शियल कंट्रोल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कोऑपरेटिव बैंक को कहाँ पर रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, लोन्स। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। लोन के साथ साथ वो क्या करता है, हाउसिंग लोन भी प्रोवाइड करता है। इवन कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, अर्बन एंड कोऑपरेटिव बैंक्स को वर्किंग कैपिटल लोन भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, कस्टमर ओन एंटिटी। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंबर है वो क्या होते हैं, कस्टमर भी होते हैं, ओनर भी होते हैं। तो इसका जो मेन, इनका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना नहीं होता है, बल्कि वो क्या करते हैं, बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम लोग को क्या बोलते हैं, कस्टमर ओन एंटिटीज। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, प्रॉफिट एलोकेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि कोऑपरेटिव बैंक का मेन एम कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट इन सम सिचुएशन जो भी उनको प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करते हैं, उसका एक सम स्पेसिफिक प्रोपोर्शन वो ट्रांसफर करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व को एंड अदर रिजर्व को। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे प्रॉफिट एलोकेशन भी क्लियर है। अब हम कोऑपरेटिव बैंक्स के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बैंक फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक क्या करता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट फाइनेंस प्रोवाइड करता है किसको, स्मॉल बिजनेसमैन को, या फिर बोलते हैं ना कि वीकर सेक्शन सोसाइटी को, इवन सम वेयर अर्बन एरियाज में भी प्रोवाइड करता है। बट उसके लिए क्या होता है, एक लिमिट होता है, एंड उसके बिहाफ पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या करता है, बहुत ही कम मिनिमम चार्जेस करता है। नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एक सुपरवाइज एंड गाइड एफिलिएट सोसाइटी। वो क्या करता है, सुपरवाइज एंड गाइड करता है, एडवाइजरी सर्विसेज देता है, एडवाइस करता है, एजुकेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, वेलफेयर फंक्शंस जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। देन रूरल फाइनेंसिंग में देखिए यहाँ पे कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो रूरल सर्विसेज लाइक कैटल फार्मिंग, क्रॉप फार्मिंग, हैचिंग एक्सेट्रा, और उसके लिए चार्जेस क्या है, बहुत ही लो ले रहा है। देन अर्बन फाइनेंस, अर्बन एरिया में कैसे फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, पर्सनल फाइनेंस एंड होम फाइनेंस, इन सबको क्या कर रहा है, वो हेल्प कर रहा है। देन नेक्स्ट फंक्शन यहाँ पे देखिए क्या है, इट मोबिलाइज फंड भी कर रहा है वो फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उनके मेंबर्स को वो गाइडेंस दे रहा है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, एक सेफ प्लेस पे आपको इन्वेस्टिंग के लिए गाइडेंस दे रहा है, एंड अल्टीमेटली उससे जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है वो उनके बीच में दे भी रहा है, एंड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल। जहाँ पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसके बिहाफ पे उसको क्या कर रहा है, कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है। इवन फ्रेंड आप क्या बोल सकते हो, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो क्या कर रहा है, टू डेवलप द कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को बढ़ावा दे रहा है, सो दैट लोग और उससे ज़्यादा जुड़े और लोगों को उससे बेनिफिट्स हो। इवन इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो वो क्या कर रहा है, लोगों के बीच में इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैदा कर रहा है। तो फ्रेंड ये सारे क्या हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स के फंक्शन। तो फ्रेंड आई होप आपको यहाँ पे फंक्शंस क्लियर हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के। अब हम कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक को थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो चीज़ें मैंने किया है, पहला कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। एग्जाम में कभी कभी आपको कंपेयर करने के लिए भी पूछ लेता है, या फिर दो बैंकों के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं आप यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए मीनिंग क्या है, अ बैंक दैट ऑफर बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस इज नोन एज अ कमर्शियल बैंक। फेयर एज मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया, कोऑपरेटिव बैंक क्या कर रहा है, फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है किसको, एग्रीकल्चरिस को, रूरल इंडस्ट्रीज को, एंड टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री ऑफ द अर्बन एरिया। बट उसके लिए क्या होगा, लिमिट होता है। देन गवर्निंग एक्ट इसका क्या है, इसका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, जबकि इसका क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965। इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, कमर्शियल बैंक का लार्ज होता है, कंपैरेटिवली कोऑपरेटिव बैंक का क्या होता है, स्मॉल होता है। इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। बट ये इसका क्या होता है, नो प्रॉफिट, इसको प्रॉफिट अर्न नहीं करना होता है, जितना ज़्यादा हो सके उतना वो क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। देन यहाँ पे बोरोवर कौन होता है, अकाउंट होल्डर, बट यहाँ पे क्या होता है, मेंबर एंड शेयर होल्डर्स ही होते हैं। मतलब इस कोऑपरेटिव बैंक के जो मेंबर होते हैं वो शेयर होल्डर भी होते हैं, मतलब वो ओनर भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं। देन इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड ग्रांटिंग अ लोन। बट यहाँ पे क्या होता है, वो क्या करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स
एंड द पब्लिक एंड ग्रांटिंग लोन टू द फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। मतलब वो क्या करता है, अपने मेंबर्स से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पब्लिक से एक्सेप्ट करता है, और किसको प्रोवाइड करता है, फार्मर्स को एंड स्मॉल बिजनेसमैन को। देन इसकी बैंकिंग सर्विसेज क्या है, ऑफर एन एरे ऑफ सर्विसेज। ये क्या करता है, कंपैरेटिवली लेस वैरायटी ऑफ सर्विसेज, इसकी सर्विसेज ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी सी कम होती है। देन इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, जब डिपॉजिट करने जाओगे तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लेस होता है, बट इसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हायर होता है। लेकिन जब वो प्रोवाइड करता है लोन तो उसके लिए इंटरेस्ट रेट क्या होता है, लो होता है। तो फिर आई होप आपको यहाँ पे मैंने जो कंपैरिजन किया कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स का, वो चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर है और आपको एग्जाम्स के लिए भी हेल्प होगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलता है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोऑपरेटिव बैंक्स के रिलेटेड नोट्स चाहिए तो फ्रेंड उसके लिए आप मुझे मेरे मीडियम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं नोट्स को अपलोड कर दूंगी एंड उसका लिंक मैं आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। इवन फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मुझे अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो फ्रेंड प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर ज्वाइन करिए, सो दैट अगर आपको वहाँ पर भी कोई क्वेरीज है तो आप इजिली मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको क्विकली रिस्पॉन्स दे पाऊंगी। तो फ्रेंड एट द एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए एंड फ्रेंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड।